आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ, दाल वाफले की। ये मक्के के आटे से बनाई है। ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। इसका टेक्सचर देखिए, अंदर से कितना अच्छा आया है। इसके साथ तड़का वाली आप तुअर दाल बनाइए, बैंगन का भुरता बनाइए। इसके साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इनको सॉस, हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते में भी इसको बना के खा सकते हैं। तो देर किस बात की है, बनाते हैं दाल वाफले। तो चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम बनाएंगे दाल वाफले। वाफले मक्के के आटे से बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी लगते हैं। तो वाफले के साथ खाने के लिए तुअर दाल तड़के वाली बनाएंगे और बैंगन का भुरता सिंपल तरीका का बनाएंगे। तो बैंगन को भून लेते हैं और दाल को उबालेंगे। एक प्रेशर कुकर में पानी, नमक, हल्दी डालकर इसकी 3 विसिल लगा के उबाल लेंगे। कर तैयार है, देखिए इस तरह की उबलना चाहिए। और बैंगन को भून लिया है, इसके छिलके उतार कर इसका भुरता बनाएंगे और दाल को फ्राई करेंगे। कढ़ाई ली है, गैस को ऑन कर दिया है और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे राई आधी चम्मच। खटकने देंगे। जीरा आधी चम्मच, 1 पिंच हींग, लहसुन, अदरक किसी, हरी मिर्ची, इनको भुनने देंगे थोड़ा। प्याज को डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को सुनहरा होने तक भूनेंगे। चुकी है, अब इसमें आधी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, इनको भून लेंगे। और अब हम टमाटर डाल देंगे, बारीक कटे हुए टमाटर इनको डाल देंगे। इनको भी अच्छे से भूनेंगे जब तक ये गल नहीं जाए। इनको भुनने भुन चुके हैं, अब इसमें हम जो उबाली थी दाल उसको डाल देंगे। चला देंगे और इसको उबलने देंगे। 1 चम्मच घी डाल देंगे, शुद्ध देसी घी डालेंगे, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। वाफले के साथ खाने के लिए इस तरह की दाल होनी चाहिए, चटपटी, खट्टी, मज़ेदार, तभी वाफले में स्वाद आएगा। जैसे उबल चुकी है, देखिए कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है और पक भी गई है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम दाल तैयार है, को छील कर मैश कर लिया है अच्छे से। अब इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। इसका टेस्ट अलग ही है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, सिंपल बिल्कुल। तो इसमें डालने के लिए थोड़ी सी अदरक किसी हुई, हरी मिर्ची कटी हुई, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा,
कुटी हुई लाल मिर्ची, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, एक चम्मच कुटा हुआ धनिया, एक चम्मच नमक। नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। कटा हुआ धनिया पत्ती, ये सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है वाफले के साथ। आप फ्राई भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये भूनकर सादा बनाया है। ये इसका सौंधापन बहुत ही अच्छा लगता है बैंगन का। आप इस तरह से बनाकर एक बार ज़रूर खाइएगा। दाल तैयार है, भुर्ता तैयार है, अब हम बनाएंगे वाफले। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें ये आटा डालेंगे। ये मक्का का आटा है 3 कटोरी। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे 1 चम्मच। ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है मैंने, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का, वो उसको डाल देंगे। 1 चम्मच छोटी अजवाइन हाथों में क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। अब इसको हम पानी से गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही गूंदेंगे। इसकी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, इसलिए इसमें ज़्यादा मौन नहीं लगता है। 1 चम्मच ऑयल डालें बस, और इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक चिकना डो बनाकर तैयार करेंगे। ऐसे चिकना डो तैयार कर लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। जब तक ये हमारा सेट होगा, हम एक कढ़ाई में पानी डालकर उबालेंगे। आटा सेट हो चुका है, अब हम इसके वाफले बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह का इसको गोल बना के इसके अंदर थोड़ा घी लगाएंगे। इस तरह से घी लगा के इसको पैक कर देंगे और राउंड राउंड करके हल्का हथेली से थोड़ा दबा देंगे। वाफले का शेप तैयार करेंगे। इसी तरह सारे वाफले बनाकर तैयार कर लेंगे। उबल चुका है, अब हम इसमें ये मैंने सारे वाफले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें धीरे से एक एक करके डाल देंगे, उबालेंगे इनको। जितनी जगह है उतने ही आप डालकर उबालें। ये जब उबल जाएंगे तो अपने आप से ऊपर आ जाएंगे, तभी इनको पलटेंगे। इनको उबलने देते हैं। एक तरफ उबल चुके हैं, देखिए। अब इनको हम एक कड़छी की मदद से पलट देंगे सभी को, और इनको भी कम से कम 3 से 4 मिनट और उबालेंगे, जिससे ये अंदर तक पक जाएं। अब इनको ढक देंगे, मीडियम गैस पर ही उबालेंगे। पहले हमारे उबल चुके हैं, अच्छे से उबल चुके हैं। अब इनको हम एक एक करके
प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। इस तरह से इनको एक प्लेट में निकाल कर ड्राई होने देंगे, सूखने देंगे, फिर इनको सेकेंगे। सभी को निकाल कर ड्राई करेंगे। मैंने एक ओवन दिया है बाटी वाला, इसमें वापले सेकेंगे। इसको मैंने 10 मिनट पहले गैस ऑन करके रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। अब इस पर हम वापले रख कर सेकेंगे। एक एक वापला इस तरह से चारों तरफ रख देंगे। उलट पलट करके इसको सेकेंगे। थोड़ा टाइम लगता है सेकने में। इसके ढक्कन को लगा देते हैं। 2-3 मिनट बाद देखेंगे और पलट देंगे। बाटी सिककर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी सिकी है, चारों तरफ से सिक चुकी हैं। उलट पलट करके मैंने सेकी है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है। सबको निकाल लेंगे, फिर गरम ही गरम सर्व करेंगे। इनको घी में डुबो के सर्व करेंगे। कटोरे में घी लिया है मैंने, इसको पिघला लिया है गरम करके। अब इसी में बाटी को तोड़कर एक कपड़े की मदद से इस तरह से तोड़ के इसमें घी में डाल देंगे। इसके अंदर भी डाल देंगे घी को और गरम ही गरम इसको इस तरह से सर्व करेंगे। आप लोग भी इसी तरह से बनाएंगे तो आपके वाफले भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप दाल भुरते के साथ खाइए, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मक्के के आटे से बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। देखिए मैं एक अभी तोड़ के भी अंदर से बताती हूँ। देखिए कितने अच्छे बने हैं, तो बनाइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी वाफले की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। तो बनाइए खाइए मक्के के आटे के वाफले। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। वाफले बनकर तैयार हैं, आप लोग भी खाने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये मैंने घी में डुबो के रखा है, तोड़ा भी है अंदर से। देखिए इनका टेक्सचर कितना अच्छा है। इसके साथ तड़के वाली दाल भी बनाई है, भुरता भी बनाया है। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, बनाइएगा ज़रूर। तो आप बनाइए और हम मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।